अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट पर इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की मांग की जा रही है। तो बता दें कि ट्रस्ट में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, जिला प्रशासन और बीजेपी नेता केंद्र को ये प्रस्ताव भेजेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ट्रस्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया था, उसी के बाद से अध्यक्ष पद को लेकर रेस जो है उसमें कई नाम सामने आ रहे थे, जिसमें नृत्य गोपाल दास का नाम भी जो है आगे चल रहा था, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट में उनको जगह नहीं दी गई, अब उसको लेकर जो है घमासान मचता हुआ दिख रहा है। तो राम मंदिर ट्रस्ट पर इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की मांग जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब ट्रस्ट में जगह नहीं देने के पीछे ये हवाला यहां पर दिया गया था कि उम्र दराज है, जिसके चलते जिम्मेदारियों से मुक्त उनको किया गया था, लेकिन अब ऐसे में यहां पर मांग की जा रही है कि नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह मिले और इसको लेकर केंद्र को जो प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको दे रहे हैं, ट्रस्ट में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो जिला प्रशासन बीजेपी नेता केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की मांग उठ रही है। तो हालांकि जिस तरह से ट्रस्ट को लेकर ऐलान हुआ था, उसके बाद यही माना जा रहा था कि जिस तरह से नाम सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं वाद जो है वो हो सकता है, और अब फिलहाल यही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की मांग जो है वो उठ रही है, और इसी को लेकर केंद्र को अब प्रस्ताव जिला प्रशासन और बीजेपी नेताओं की तरफ से भेजा जाएगा, क्योंकि इसको लेकर संत समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है और लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि नृत्य गोपाल दास को भी ट्रस्ट में जगह देनी चाहिए। तो राम मंदिर ट्रस्ट पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की मांग को लेकर ट्रस्ट में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिला प्रशासन और बीजेपी नेता केंद्र को ये प्रस्ताव भेजेंगे। तो लगातार जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर, ट्रस्ट को लेकर जो जिक्र चल रहा था, उसका ऐलान पीएम मोदी ने लोकसभा में किया, और जैसे ही ट्रस्ट के ऐलान के बाद ये लिस्ट सामने आई, उसके बाद अब संत समाज के लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट में जगह दी जानी चाहिए। तो राम मंदिर ट्रस्ट पर इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, तो नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की जो मांग है वो यहां पर उठ रही है। तो ट्रस्ट में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिला प्रशासन और बीजेपी के नेता केंद्र को ये प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें ये जिक्र होगा कि नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट में जगह मिले। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, राम ट्रस्ट को लेकर ये बड़ी खबर, नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने की मांग उठ रही है। अभी हमारी बात हुई है ऊपर से, और विशिष्ट लोगों से बात होने के बाद हम लोगों ने बैठक को स्थगित कर दिया है। हमारी बातें चल रही हैं, बात लगभग पूरी तरह से ठीक है, किसी प्रकार की कोई बैठक, सारी बातें शाम तक बिल्कुल। पूज्य महाराज जी से भेंट करने के उद्देश्य से हम सभी आए थे, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी और मैं स्वयं, हम लोग रूटीन भेंट में जैसे महाराज जी से मिलने आते हैं वैसे ही मिलने आए थे। कुछ बातें ऐसी थी जिसको लेकर के पूज्य महाराज श्री के शिष्यों में कुछ भ्रांतियां थी, जिनको लेकर भी बातचीत हुई है। ऋषि आईडी हल्का नीचे। पूज्य महाराज श्री ने हम सबसे यह कहा है कि श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो और शीघ्र हो। संवाददाता सत्य प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, अब राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी मांग, नृत्य गोपाल दास को जगह मिले। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है आज कल जो है ट्रस्ट का निर्धारण हुआ, उसमें गोपाल दास को स्थान नहीं मिला था, उसके बाद के बड़े तत्व के संत लोग सभी नाराजगी थे। आज बैठक होनी थी और लगातार बैठक की सूचना होते ही जो है
जिला प्रशासन और भाजपा के नेता और विधायक सभी लग गए कि किसी तरह मनाया जाए। संतों को मनाने में लगभग सार्थक रहे हैं और कहीं ना कहीं बैठक को स्थगित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं विधायक ने जो अभी हम लोगों से बातचीत किया उनके माध्यम से लग रहा है कि गोपाल दास को शामिल किए जाने की बात उठी है। मंत्रालय से बताया जा रहा है कि मंत्रालय से भी बात हुआ है तो कहीं ना कहीं जल्द ही मानसिक बैठक करने के पीछे वजह क्या बताई जा रही है सत्य प्रकाश? जी आ रही है बिल्कुल सत्य प्रकाश, बैठक का टलने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, जो संतों की बैठक थी बैकफुट होने का मतलब ये सीधा वो बताया जा रहा है कि जो प्रशासन के लोग या गृह मंत्रालय से फोन से जो बातें हुई हैं उसमें साफ निकल के आ रहा है कि अभी कुछ लोगों को उसमें शामिल किया जाना बाकी है, जल्द से जल्द उन लोगों को भी शामिल करते जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो संतों का आक्रोश था वो महंत गोपाल दास के नाम शामिल होने की जब बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं संत अब जो है अपनी नाराजगी थोड़ा कम हो गई है, अगर उन्हें शामिल कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं संत भी सभी समर्थन में हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री के आश्वासन के बाद जो संतों की नाराजगी इसको लेकर बनी हुई थी वो अब दूर हो गई है।